सेना में जाति पूछकर फंस गई मोदी सरकार। चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है, जो पहले व्यवस्था थी हमारी आजादी के पहले थे, वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है। जाति के सवाल पर भड़क गए राजनाथ सिंह। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूँ, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है, अब इसके आगे मुझे क्लेरिफाई करने की समझता हूँ कोई जरूरत है। देश के रक्षा मंत्री गुस्से में है, जब उनसे पूछा गया कि आप सेना में सैनिकों की जाति क्यों पूछ रहे हैं, तो वो भड़क गए। अग्निवीर योजना के तहत सेना की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर बवाल मचा है। मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है कि सेना को भी जाति और धर्म के आधार पर क्यों बांटा जा रहा है। इसी सवाल पर राजनाथ सिंह ने कह दिया कि पहले से ही जाति पूछी जाती है। जो पहले व्यवस्था थी हमारी आजादी के पहले थे, वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूँ, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है, अब इसके आगे मुझे क्लेरिफाई करने की समझता हूँ कोई जरूरत है। सुना आपने, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पहले से ही सेना में सैनिकों की जाति पूछी जाती रही है और हम भी पूछ रहे हैं। यानी जो गलत काम पहले से हो रहा था उसे सुधारने की जगह मोदी सरकार भी उसी गलत काम को करती जा रही है। सरकार हवाला दे रही है कि अंग्रेजों के जमाने से ही जाति आधारित रेजिमेंट बनती आ रही हैं। अंग्रेज भी जाति पूछते थे और हम भी जाति पूछ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि देश को जाति धर्म में बांटने का जो काम अंग्रेज कर रहे थे, उसे सरकार भला क्यों कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने राजनाथ सिंह के बयान पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, निर्लज्ज होने की भी कोई सीमा होती है। अंग्रेजों ने जाति पूछ पूछ कर फौज में भर्ती की, हम भी कर रहे हैं, हद है राजनाथ जी। अग्निवीरों की जाति पूछने पर इसलिए भी विवाद हो रहा है क्योंकि सेनाओं में एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण लागू नहीं है। यानी दलित, पिछड़े और आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले सैनिकों को यहां जाति आधारित आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने यह हलफनामा दायर किया था कि सेनाएं जाति धर्म से ऊपर हैं और यहां आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अग्निवीरों की जाति पूछी जा रही है। सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण पत्र दिखाने को कहा है। ऐसे में लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अग्निवीरों की जाति जानकर 4 साल बाद उनकी छटनी कर दी जाएगी। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण ही नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। सवाल तो जायज है कि जब आरक्षण नहीं देना तो फिर अग्निवीरों की जाति क्यों जाननी। ये कोई मैट्रिमोनियल साइट तो नहीं है कि आपको दूल्हे या दुल्हन की जाति बताना जरूरी है। भारत एक है और सेनाएं भी उसी एकता और अखंडता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए सेना में जाति की जानकारी क्यों चाहिए? क्या भारत का नागरिक होना ही काफी नहीं है? जाति जानकर क्या फायदा होगा? और क्या सेना 4 साल बाद पक्की नौकरी पाने वाले अग्निवीरों की भी जाति सबको बताएगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाति जाननी ही क्यों है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।